बिहार लगातार पिछले 3 सालों से जब से महागठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार तब से फिसड्डी साबित हो रहा है। कई राज्यों की श्रेणी में नीचे से फर्स्ट करने पर अब नीतीश कुमार के सुशासन और उनके कार्यों पर उंगली उठने लगी है। इसके बाद अब एक नई बात सामने आ गई है स्पेशल स्टेटस की। ये कहा जा रहा है कि इसी को लेकर के बिहार पिछड़ता जा रहा है, जबकि देश के कई राज्यों के पास स्पेशल स्टेटस नहीं है, उसके बावजूद भी वो बेहतर कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी। हम जानना चाहेंगे कि सर, कल तो आपने बताया था कि इस सरकार की अब स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं रह गए हैं कि वो सरकार बना सके और बिहार को आगे बढ़ा सके। जब स्पेशल स्टेटस का डिमांड लंबे समय के चुप्पी के बाद रखा जाता है, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि आज जिस हालत में मांगा जा रहा है कि स्पेशल स्टेटस का जी, तो ये तो बहुत पहले से मांग हमारे दल के मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उन्होंने रखा था विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए बिहार को। और उसी सवाल को लेकर माननीय नीतीश कुमार जी ने सवाल उठाया था। हम सारे लोग, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और सारे लोग मिलकर कहा था कि हम साथ हैं और बिहार को स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन बीच में सरकार इनको चलानी है, इनको राज करना है। ये केवल बिहार में राज कर रहे हैं और शोषण दोहन कर रहे हैं और बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा खा रहे हैं और लोगों के आंखों में धूल झोंक कर और बिहार को लूटना और फिर सिद्धि बनाने का इन्होंने काम किया है, शर्मसार किया है बिहार को इन्होंने। और पूरे भारत में सबसे नीचे पैदान पर ये बिहार है और रोज सवांग भरते हैं कि बिहार विकास के विकास में अग्रसर है, बिहार विकास कर रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के राज में भी फिसड्डी कभी नहीं हुआ था। बिहार जो आज झारखंड से भी 4 पैदान नीचे, मानी लास्ट में नीचे से फर्स्ट है बिहार, और इनके दल के लोग बेवजह केवल गाल बजाते हैं, गाल बजाकर जनता का शोषण करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं और इसी में केवल जात का नाम लेकर और काम करने का काम करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की लड़ाई पहले भी हम लोगों ने लड़ा है, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मुझे याद है कि इस सदन में आप भी मौजूद थे जिस समय नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ रहेंगे। तो क्या अब विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आने की तरफ देख रहे हैं? देखिए, ये तो तय करना हमारे शीर्ष नेताओं का है कि कौन किसको हम लेंगे नहीं लेंगे, ये हमारा काम नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को अपमानित किया करने का काम किया है, बिहार वासियों को अपमानित करने का काम किया है, बिहार के गाड़ी कमाई को लुटवाने और आरसीपी टैक्स लगाकर लूटने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और अपनी जाति के लोगों को हर महकमे में बहाली कर, चाहे वो दरोगा का हो, बीपीएससी हो, नर्सेज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब में बहाली करके और अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं। अगर जांच हो जाए तो पता चलेगा कि एक जिले के लोग कितने शिक्षक हैं, कितने डॉक्टर हैं और कहां से आए, कैसे आए, सब घोटालेबाज है और फर्जीवाड़ा बहाली हुआ है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पहले आप पर आरोप लगते सकते हैं, हमारे पास साक्ष्य है जी। और मैं साक्ष्य कभी भी, जब भी कभी मंगाहट होगी तो मैं साक्ष्य दूंगा। और इनके राज्य में जात के नाम पर पोस्टिंग होती है, आरसीपी टैक्स जो देता है उसकी पोस्टिंग होती है। नीतीश कुमार की अपनी नाकामियों के कारण बिहार फिसड्डी है या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फिसड्डी करना चाहती है? नहीं, ये माननीय नीतीश कुमार के नाकामियों के चलते, और दोनों डबल इंजन की सरकार है, ये सवांग भरते हैं पूरे बिहार और देश में कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? बिहार को, देश को केवल लूट रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।